नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। चेयरमैन पत्नी को गिरफ्तारी करने के लिए थाना पर प्रदर्शन। बलिया नगर पंचायत अध्यक्ष पत्नी शिव कुमार वर्मा मटन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभासद धनंजय सिंह व सुदिष्ट बाबा महाविद्यालय के छात्र नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में युवाओं ने बैरिया थाने पर प्रदर्शन किया। वहीं मटन वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एएसपी संजय कुमार को पत्र दिया। उन्होंने जांचोपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वाले का आरोप है कि कई मामले थाने में दर्ज है, किंतु पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्ञापन देने वालों में सभासद धनंजय सिंह, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह, छात्र नेता सनी सिंह, बैरिया निवासी रवि सिंह, मनोज पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल थे। बैरिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का यही मतलब है कि राजा और प्रजा कोई भी गलती करे सेम कानून होगा। गरीबों के लिए नियम है, लेकिन जो राजा है उस पर मुकदमा हो रहा है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। या तो गणतंत्र दिवस मनाना छोड़ दें हम लोग, नहीं तो अगर गणतंत्र दिवस है, कानून है सबके लिए, तो उसकी गिरफ्तारी हो। कौन राजा है आपकी नजर में? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, बैरिया के जनप्रतिनिधि शांति देवी, उसका उनके प्रतिनिधि है मंटन वर्मा, जो यहाँ जमीन का लूट कर रहे हैं। अभी पुल पे लूट रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है। अभी एक पासवान का गया था लूटने, अभी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे चला जा रहे थे। तो आज आप बैरिया थाने पे पत्र दिए हैं, किसको पत्र दिए हैं और क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, कानून सबके लिए एक बराबर है, अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे आंदोलन फिर जारी रखेंगे। भाजपा सभासद 7 नंबर वार्ड प्रतिनिधि, बैरिया पश्चिम टोला निवासी। मैं काफ़ी दिनों से भाजपा के लिए कार्य करता हूँ। हमारे माताश्री भी मंडल उपाध्यक्ष हैं, काफ़ी दिनों से बूथ अध्यक्ष भी हम हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग भाजपा में, जोगी जी के लिए हम लोग बहुत कुछ किया है, भाजपा के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे ही सरकार में हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। छोटो बिरादरी जो कि हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा। हम लोगों ने बहुत बार नगर पंचायत में भी आंदोलन किया, बाकी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इस बार हम लोग का आंदोलन अग्रुप रूप लेगा और इसके लिए हम लोग लखनऊ तक जाएंगे और जोगी जी को बताएंगे कि आपकी सरकार में इस बैरिया विधानसभा दबा में आपके कथानुसार कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ की जो प्रशासन है भ्रष्टाचार हो चुकी है, जो कि पैसों के बल पर लोगों का काम कर रही है। यहाँ के एसओ हो या डीजीपी हो या एसपी हो, सभी का यही काम है, गरीबों को सताया जा रहा है और बड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। धनंजय सिंह है, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से मनोनीत सभासद हूँ। 1987 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक हूँ और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। ये आज क्या मामला है, थाने के बाद आप लोग घेराव किए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि अपराधी शिव कुमार उर्फ मंटन वर्मा पर बैरिया थाना में 12 मुकदमा, अन्य जगह मिलाकर 14 दर्जनों मुकदमा है, फिर भी आज तक वो खुलेआम घूम रहा है। कुछ दिन पहले मनोज पासवान को पीट दिया, इससे पहले विजय यादव का प्रताड़ना कर रहा था, इसके बाद से रामशीला देवी जो पूर्व प्रधान सूरज पासवान की पत्नी है, उनके लड़के को इतना जघन्य रूप से रॉड से मारा है। उपेंद्र वो कहा है जी, उसका इतना उसके छाती पर अभी भी दाग है और पेट पर भी, जिसका अभी इलाज चल रहा है, फिर भी उस अपराधी को पकड़ा नहीं गया। उसके घर जा कर के 2 बार ये धमकी दे दिया और पिजड़ा गैंग से इसका साथ रहा है, नक्सली विचारधारा का है, राष्ट्र विरोधी है ये, और फिर भी ये हमेशा गोलबंदी बना करके अटैक करता है, हमला करता है। कब तक कोई सुरक्षित रहे? मेन है इसके करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर। योगी जी के सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कहीं जगह नहीं। जी तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है शिव कुमार मंटन की गिरफ्तारी हो, कोई भी अपराधी बचे ना, अपराधी की गिरफ्तारी हो। जी अगर इस तरह नहीं होगा तो आप लोग क्या कहेंगे, करेंगे आगे? अभी शुरुआत है, इसके बाद से अगर गिरफ्तारी ठीक 2 दिन के अंदर नहीं हुआ, 48 घंटे के अंदर, तो निश्चित रूप से बैरिया बाजार की बंदी का आह्वान होगा और बैरिया बाजार बंद होगा। तो जी एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुझे वो विश्वास है कि वो 2 दिन में अपना कार्य कर लेंगे। 2 दिन बहुत होता है प्रशासनिक अधिकारी के लिए, ठीक है, 2 दिन बहुत होता है। ये मनोज पासवान है, ये रवि जी हैं, सभासद है बैरिया के, बीजेपी के ही हैं, बहुत पुराने लोग हैं ये, लेकिन इनका कहीं नगर पंचायत में अस्तित्व नहीं है। नगर पंचायत में आज तक खुली बैठक एक नहीं हुई है, गुंडागर्दी के बल पर। कितने मुकदमे हुए उनके पास? दर्जनों मुकदमा है बैरिया थाने में। बैरिया थाने में तो 14 मुकदमा है बैरिया थाना में, और जगह का छोड़िए, 2 तो फिलहाल हो गया, 12 पहले का था। रही बात 26 जनवरी
आप लोग बैरिया की सम्मानित और प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हैं थाने पर और आपके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन लेके मैं एसपी साहब को ये पहुँचा दूँगा और ये मेरा आश्वासन है कि जो भी आपकी मांगे हैं उसमें जो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या मांगेंगे? इनकी मांग है कि शिव कुमार वर्मा और मंटन वर्मा पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जाए, तो अब इसका अध्ययन किया जा रहा है। जो जो मुकदमे दिए गए हैं इनको अब हम वेरीफाई करेंगे और जो भी इसमें जो कार्रवाई है वो निश्चित ही कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।